तो अगर आप बाहर से जेल या क्रीम ले रहे हो मसाज करने के लिए तो आज से ही स्टॉप कर दो, क्योंकि ये जेल प्योर ऑर्गेनिक एंड प्योर इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई है, बिल्कुल केमिकल फ्री है और आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिस तरीके से अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए हमें डेली 10-12 ग्लास वाटर को इनटेक करना चाहिए, हाइड्रेटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट पर, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बनी हाइड्रेटिंग और कूलिंग जेल से अपनी स्किन को मसाज करने से, अपनी स्किन पर अप्लाई करने से आपकी स्किन डीपली हाइड्रेट होती है, जिससे आपको ड्राइनेस, रिंकल्स, फाइन लाइन, डार्क सर्कल्स एंड डार्कनेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग जेल अपने स्किन के लिए यूज करें। तो आज मैं एक बहुत इफेक्टिव और बहुत बेनिफिशियल सा हाइड्रेटिंग जेल बनाने वाली हूँ, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ एक ब्लेंडर ले लीजिए, उसमें ऐड कीजिए ऑरेंज के छिलके। नेक्स्ट मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ चॉकलेट पाउडर, अगर आपके पास चॉकलेट पाउडर नहीं है तो आप कॉफी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ ऐड करना है फ्रेश टोमेटो। मैं यहाँ फ्रेश टोमेटो लूंगी अपने फेस के लिए, ये फेस की बात है तो आपको बिल्कुल फ्रेश आपको यहाँ यूज करना है। तो हाफ टोमेटो ले लीजिए, हाफ कुकुम्बर के स्लाइसेस आपको ले लेने हैं। नेक्स्ट 2 टीस्पून आपको कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है। थोड़ा सा रोज वाटर ऐड करने के बाद आपको इसे ब्लेंड कर देना है अच्छी तरीके से। ब्लेंड करने के बाद आपको इस तरीके से इसका जूस सेपरेट कर लेना है। नेक्स्ट ऐड कर दीजिए 1/2 टीस्पून हनी। नेक्स्ट इसमें 1 टेबलस्पून आपको फ्लैक्स सीड जेल ऐड कर देना है, ये होममेड है, लेकिन अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप यहाँ एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर देना है और एक जेल फॉर्म में आपको इसे ले आना है। अब इसे अपने स्किन पर इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 10 मिनट्स तक आपको इसे फेस पैक की तरह इसी तरीके से रखना है। 10 मिनट्स के बाद थोड़ा सा हाथ में रोज वाटर लीजिए और उससे इसे अच्छी तरीके से वेट कर दीजिए और फिर आपको 10 मिनट्स तक इससे मसाज करना है। जब अच्छी तरीके से मसाज हो जाए तो फेस को वॉश कर लीजिए। ऑरेंज पील आपकी स्किन को ब्राइट और फ्लॉलेस बनाने का एक नंबर 1 इंग्रेडिएंट माना जाता है। साथ ही साथ टोमेटो और कुकुम्बर स्किन को हाइड्रेट करके स्किन को ग्लोई और ब्राइट करता है। तो अगर आप बाहर से जेल या क्रीम ले रहे हो मसाज करने के लिए तो आज से ही स्टॉप कर दो, क्योंकि ये जेल प्योर ऑर्गेनिक एंड प्योर इंग्रेडिएंट्स से बनाई गई है, बिल्कुल केमिकल फ्री है और आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो इस जेल से आप वीक में एक बार मसाज करेंगे अपने फेस पर और ये इनफ है आपके लिए। ये जेल जरूर ट्राई करना गाइज, इससे आपको एक फ्लॉलेस, रेडियंट एंड ग्लोई स्किन मिलेगी। डीपली अच्छी तरीके से आपकी स्किन क्लीन होगी और स्पॉटलेस बनेगी। तो यूज करने के बाद मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना, और पहली बार चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।